राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग यहीं से शुरू होता है, जो आज हम लोग लग गए हैं अपने नाले को साफ़ करने में। पापा हम लोगों से डेली कहते थे कि आज हम नाला खोल देते, तुम लोग साफ कर दो, लेकिन हम लोग पापा को मना कर दे रहे थे क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और हम लोग को मन भी नहीं कर रहा था नाला साफ करने में और कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। फिर आज पापा बोले, देखो आज मौसम सही है, चलो आज मैं खोल देता हूँ और तुम लोग जो है साफ कर दो नाले को। तो आज हम लोग लग गए अपने नाले को साफ करने में। वैसे भी क्या करें, डेली बहता ही था और बाहर और दूसरे के द्वार पे भी जाता था तो अच्छा भी नहीं लगता था, इसलिए आज हम लग गए हैं अपने नाले को साफ करने में। वैसे भी हम लोग अपने छोटे वाले गड्ढे को ही खुलवाए हैं क्योंकि इसी में सारा कचरा जो भरा हुआ है और बड़े वाले गड्ढे में पानी भरा हुआ है। तो अभी हम ठंड भी पड़ रही थी इसलिए हम लोग पापा से बोले कि यही छोटा वाला हम लोग साफ कर देते हैं और बाद में इस बड़े वाले को करेंगे, तो बोले ठीक है। तो आज हम लोग लग गए हैं अपने छोटे वाले गड्ढे को साफ करने में। अब पता नहीं ये कब तक साफ होगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा ही कचरा भरा हुआ था। इसमें तो बस सारा कचरा भरा हुआ है लेकिन बड़े वाले में पानी भरा हुआ है। तो और ठंड भी बहुत ज़्यादा इस टाइम थी इसलिए हम लोग बड़े वाले को नहीं खुलवाए। पापा से बोले जब धूप होगी तब हम लोग उस गड्ढे को खोलेंगे, तब हम लोग उसे साफ करेंगे। अगले साल तो मोटर से साफ हुआ था लेकिन इस टाइम जो है किसी का मोटर भी नहीं मिल रहा है, तो इसी तरह हम लोग को ढोना ही पड़ेगा। क्या करें, अपना काम है तो करना ही पड़ेगा और डेली ऐसे ही बहता है तो द्वार भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम लोग लग गए हैं अपने नाले को साफ करने में, वो भी छोटे वाले को। ये तो दो दिन में फिर से भर जाएगा और फिर दोबारा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो मैं अकेले ही कर रही थी और मेरी छोटी बहन और सब वो लोग अपना अंदर का काम कर रही थी क्योंकि उन सबको अंदर का भी काम करना था। और उसके बाद ये देखिए छोटी वाली बहन आ जाती है और फिर ये भी आठ बटाने लगती है। तो मैं इसे गड्ढे में से जो कचरा है उसे निकाल निकाल दे रही थी तो छोटी वाली बहन जो है फेंकने के लिए लेकर जा रही थी और दूर भी पड़ जा रहा था जहाँ पर हम लोग फेंक रहे थे और बहुत ही मेहनत भी लग रहा था। मैं यहाँ पे एक साइड से सारा कचरा निकाल रही थी और दूसरे वाले गड्ढे में से देखी कैसे सारा पानी आ रहा है क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है और सारा कचरा जो छोटे वाले गड्ढे में भरा हुआ है। हम लोग सोच रहे थे छोटा वाला गड्ढा छोटा है, जल्दी ही साफ हो जाएगा, लेकिन सारा पानी बड़े वाले में से इसी में आ जा रहा था और हम लोग को डबल मेहनत करना पड़ रहा था। वैसे भी बढ़िया है कि बड़े वाले में का भी पानी इसी में आ रहा था तो वो भी गड्ढा जो है थोड़ा सा खाली ही हो जाएगा और थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा जब उसे हम लोग साफ करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद मेरी बहन जो है वो कहती है धूप में निकालती हूँ और तुम फेंको, तो मैं फेंकने के लिए चली जाती हूँ और वह कचरा जो निकाल निकाल मुझे देती है। तो मैं यहाँ पर जो है सारा कचरा फेंकती हूँ और उसके बाद मेरी दूसरी वाली बहन भी आ जाती है और देखिए एक तरफ छोटी वाली बहन जो है फेंक रही है और दूसरी वाली बहन और मैं जो है ढो रहे हैं सारे पानी को। हम लोग सोच रहे थे छोटा है गड्ढा है और जल्दी से सारा पानी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो है बड़े वाले गड्ढे में से सारा पानी इसी में आ रहा था। जब भी आधा गड्ढा भर रहा था और आधा खत्म हो जा रहा था तो हम लोग सोच रहे थे कि आधा ही है, अब जल्दी से खत्म हो जाएगा, ढो देंगे। तो जितना ही ये मेरी बहन जो है साफ करते हुए जा रही थी और उतना ही पानी उस बड़े वाले में से आ रहा था। क्या करें, हम लोग के नसीब में तो यही सब लिखा है ना, गांव की लड़कियां क्या करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, गोबर पानी फेंकती हैं, तो वही तो हम लोग भी लग गए। अगर हम लोग के गांव के आज प्रधान अच्छे रहते तो ऐसा दिन भी नहीं देखना पड़ता। पिछले 10 साल से तो यही करते आ रहे हैं और लगता है आगे के जीवन में भी यही सब करना पड़ेगा और हमारे गाँव में कभी नाला ही नहीं बनेगा। अगर आज हमारे गाँव में नाला बना रहता तो ये सब हम लोग को नहीं करना पड़ता, लेकिन क्या करें, हम गाँव की लड़कियाँ हैं ना, तो गाँव की लड़कियों की जिंदगी में तो ये सब काम जो है आम बात है, तो ये सब तो काम करना ही पड़ेगा। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए मेरी बहन जो है आधा गड्ढा साफ कर चुकी है और हम लोग 20-25 बाल्टी पानी फेंक चुके हैं, लेकिन जो है गड्ढा अभी तक साफ नहीं हुआ है। ना जाने कब ये छोटा वाला गड्ढा साफ होगा, इसी में इतना टाइम लग रहा है तो बड़े वाले में कितना टाइम लगेगा। 2 घंटे से हम लोग लगातार इसी में लगे हुए हैं लेकिन जो है अभी तक ये गड्ढा साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना जाने कितना कचरा इसमें भर गया है। जितना भी हम दोनों बहनें पानी फेंक रहे हैं और कचरा फेंक रहे हैं उतना ही कचरा और पानी जो है
अंदर से आता ही जा रहा था। हम लोग पापा बोल रहे थे कितना बड़ा गड्ढा है, तो पापा कह रहे थे छोटा ही गड्ढा है, फिर भी इतने सारे कचड़े भरे हुए हैं और पानी भी अंदर से आ रहा था ना जाने कहाँ से। तो देखिए दोस्तों, गाँव की लड़कियों की जिंदगी ऐसी ही होती है। दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करिए। और जो लोग कमेंट करते हैं और मुझे उनका कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, वो लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, इसलिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और उनमें से एक पूजा दी है जो कमेंट की थी कि तुम अंदर का काम किया करो तो स्लीपर पहन कर किया करो और बाहर का काम जब करती हो तो जूते पहन कर किया करो। तो मैं दीदी आपको बता देती हूँ कि मेरे पास जूते नहीं है, हमारे घर दो जूते हैं जो मेरी छोटी बहन दोनों पहन कर अपना कोचिंग जाते हैं और स्कूल जाते हैं, और मैं घर पे ही रहती हूँ इसलिए स्लीपर से ही मैनेज कर लेती हूँ, और घर पे आग भी जला लेती हूँ, सेक ओक लेती हूँ, और वो सब कोचिंग जाती है स्कूल जाती है तो इसलिए उन सबको ज़्यादा ठंड लगता है। इसलिए कहते हैं ना, जब आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है तो सब कुछ मैनेज ही किया जाता है, तो ऐसे ही हम लोग भी मैनेज कर लेते हैं। और उन्होंने पूछा था कि तुम कहाँ तक स्टडी की हो और क्या करती हो और तुम्हारी बहन सब क्या करती है, तो मैं आपको बता देती हूँ दीदी कि मेरी छोटी बहन जो है वह 9th क्लास में पढ़ती है और बड़ी वाली बहन जो है 10th क्लास में है, और मैं BA करती हूँ, तो इस बार मेरा BA फर्स्ट सेमेस्टर है और मेरा एग्जाम भी एक बार हो चुका है, तो इसलिए कॉलेज की जो है छुट्टियां बुला गई हैं, तो इस टाइम हम लोग घर पे ही रह रहे हैं। हमारा एग्जाम जो है हो चुका है लेकिन प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है, जब कॉलेज खुलेगा तब हम लोग का प्रैक्टिकल होगा। वैसे भी इस टाइम ठंड है तो ठंड की वजह से सबकी छुट्टियाँ भी बुलाई है और मेरी बहनों का भी छुट्टी बुला चुका है, तो इसलिए वो सब भी घर पे हैं। इन सब की तो स्कूल की छुट्टी बुला चुकी है लेकिन जो है कोचिंग की छुट्टी नहीं बुलाई है, तो इसलिए ये सब कोचिंग जाती हैं अपना सुबह शाम और जूते भी पहन कर जाती हैं, और मैं घर पे रहती हूँ तो घर पे स्लीपर से ही काम चला लेती हूँ। ऐसे ही हम बहनें जो है सब कुछ मैनेज करते हैं, जब ये सब बाहर जाती है तो ये सब जूते पहन लेती है, और जिस दिन मुझे भी कभी काल बाहर जाना पड़ता है तो मैं इन सबका जूता पहन लेती हूँ, और सबका साइज जो है एक ही बराबर है, तो इसलिए सब कुछ हम लोग मैनेज करते हुए ही काम करते हैं। अगर आज हमारी भी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती तो ऐसा दिन भी नहीं देखना पड़ता, फिर भी क्या करें, हमारे जीवन में तो ये सब लिखा है तो ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा, और सब कुछ मैनेज करते हुए ही ना हमें आगे बढ़ना है। खैर वो सब बातें छोड़िए, और यहाँ पे देखिए हमारा नाला जो है लगभग साफ हो चुका है, अब थोड़ा बहुत और उसमें पानी है, तो अब हम लोग को खुशी हो रही थी कि कम से कम 2-3 घंटे लग गए हैं कि हमारा नाला भी साफ हो गया, अब थोड़ा बहुत और पानी रह गया, तो पापा कह रहे थे अब रहने दो, जितना हुआ है उतना ही काफ़ी है। आज तो मैं और मेरी बहनों ने इतना मेहनत किया है कि नाला ही साफ कर दिया, और उसके बाद हम लोग का हाथ पैर भी सुन्न हो गया और कोई काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर मेरी छोटी बहन जो है हाथ पैर धुलने के लिए मशीन पे चली जाती है, और मैं पापा के साथ ये गड्ढे जो है उसे बंद करवाने में लग जाती हूँ, और ये बंद भी नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा वजन था। उसके बाद पापा बोल रहे थे अब तुम रहने दो, मैं कर दूंगा, तुम लोग भी थक गए हो, इतना काम करके जाओ, हाथ पैर धुल लो और मैं इसे गड्ढे को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे पापा अपना बंद कर रहे थे और मेरी छोटी बहन जो है हाथ पैर धुल चुकी है। ये पत्थर इतना ज्यादा वजन था कि पापा से उठ भी नहीं रहा था, तो हम लोग सोचे चलो थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते हैं जिससे जल्दी से ये गड्ढा भी बंद हो जाए। तो इसके बाद मैं भी पापा का हेल्प करने में लग गई, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा गड्ढा भी बंद हो चुका है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, कम से कम छोटा वाला गड्ढे का जो है सारा कचरा साफ हो गया और सारा पानी भी साफ हो गया, लेकिन हम लोग का सारा मेहनत जो है 2 दिन में फिर वैसे ही हो जाएगा और ये गड्ढा जो है फिर से भर जाएगा, और बड़े वाले में तो पानी वैसे ही भरा हुआ है और किसी का मोटर नहीं मिल रहा है इस टाइम। अगर किसी का मोटर मिल जाता तो पापा इस बड़े वाले गड्ढे का पानी जो है साफ करवा देते, लेकिन इस टाइम किसी का मोटर भी नहीं मिल रहा है, लगता है कि हम लोग को ऐसे ही ढोना पड़ेगा जैसे छोटे वाले गड्ढे का हम लोग ढो रहे थे। खैर वो सब बातें छोड़िए, और यहाँ पे देखिए छोटा वाला गड्ढा जो है बंद हो चुका है, और उसके बाद मैं बाल्टी और भगोने को धो लेती हूँ, और उसके बाद अपना पैर हाथ भी धुल लूंगी और फिर नहाने के लिए चली जाऊंगी। और पापा इस गड्ढे को अभी भी सही से नहीं ढक पाए हैं, तो इसे सही कर रहे हैं कि सही से ये ढका जाए, वरना ये ऊपर नीचे बार बार हो रहा था। उसके बाद
मैं भी अपना जो है हाथ पैर धुल लेती हूँ और फिर नहाने के लिए चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहाकर छत पे, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और छत पे धूप भी हुआ था। तो आप लोग भी देख सकते हैं धूप जब होता है तो कितना अच्छा लगता है। तो मैं भी नहा धोकर आ गई थी और मुझे भी धूप में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे बाबू को कैसे ये धूप में खेल रहा है, और इसे तो जब नीचे बैठा दो तो अच्छा ही लगता है धूप में, लेकिन हम लोग ठंड की वजह से इसे नीचे जल्दी बैठाते ही नहीं थे क्योंकि अभी ठंड लग जाएगा तो ये बीमार भी हो जाएगा। लेकिन इस टाइम जो छत पे धूप निकला हुआ है तो इसलिए हम लोग बाबू को नीचे बैठा दिए हैं। उसके बाद मेरी बहन भी नहा कर आ चुकी है धूप लेने के लिए छत पे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।